स्वागत है आपका जनता न्यूज के ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग में। आज हम लोग हैं पलवल महानगर पालिका क्षेत्र में। सभी जानते हैं कि आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी की तैयारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा महाविजय 2024 संकल्प दौरे का आयोजन किया गया है। पूरे राष्ट्र में ये दौरा किया जाने वाला है और इसी तरह महाराष्ट्र में भी ये दौरा जो है वो चल रहा है और आज मावल लोकसभा क्षेत्र में इस दौरे की शुरुआत हो रही है। और इस दौरे में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी जो है वो आज पनवेल में आने वाले हैं इस दौरे के लिए। और मैं बताना चाहूंगी कि किस तरह से यहाँ पनवेल क्षेत्र में जो है वो तैयारी की गई है। लोगों को यहाँ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद है। हम आपको बताना चाहेंगे कि पनवेल विधानसभा क्षेत्र, उरई और करजत इन तीनों विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो है उन्होंने शामिल एकजुट होकर के इस दौरे की तैयारी की है। तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है और कुछ ही समय में यहाँ पे चंद्रशेखर बावनकुले जी जो है वो आने वाले हैं और सबसे पहले वे बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो है उनकी प्रतिमा और छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा जो है उनका वंदन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे रैली निकाले जाने वाली है। ये रैली में वे यहाँ से घूमकर लोगों से भी उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। एक नुक्कड़ बैठक भी होने वाली है और उसके बाद वासुदेव बरनपुर के नाट्य गृह जो है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता जो है उनके साथ यहाँ पे उनकी बैठक होने वाली है। आगामी चुनाव के बारे में जो है योजनाएं बनाई जाएगी, उनके बारे में प्रचार से जुड़ी बातचीत की जाएगी और मार्गदर्शन किया जाने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, इसी तरह की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आज यहाँ पे जो ये महारैली होने वाली है, जो दौरा होने वाला है उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सभी जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो कितने उत्सुक है। और कुछ ही समय में चंद्रशेखर बावनकुले जी जो है वो आने वाले हैं और ये दौरे की जो है यहाँ पे शुरुआत होने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ पूरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज पनवेल।